हमारे अन्नदाता, हमारे किसान सबको तो दो वक्त की रोटी देते हैं, लेकिन खुद दो वक्त की रोटी खाने के लिए कठिन संघर्ष करते हैं। उनके इसी परिश्रम को देखते हुए छत्तीसगढ़ के बड़े तुमनार गांव में एक बहुत अच्छी पहल की गई है। दरअसल बड़े तुमनार गांव में स्थापित सोलर फार्म स्टेशन किसानों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने में बहुत मदद कर रहा है। इसकी मदद से किसान सोलर पंप के अलावा सौर ऊर्जा से राइस मिल भी चला सकेंगे। ये बेसिकली इसलिए दिया है हमने कि अभी किसान जो है ना धान बेच रहा है, वो अपना धान से राइस बना करके इजली मार्केट में बेच सकता है, जिससे उसको प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। अभी क्या है, 3 HP का मोटर यूज कर रहे हैं, और अगर किसान को लगता है इसकी कैपेसिटी ज्यादा है और उसको नीड रहेगी तो आगे हम वो भी प्रोवाइड करेंगे। इससे न सिर्फ उनका काम आसान होगा बल्कि हर किसान को फायदा भी मिलेगा। अगर इसका हैवी सेटअप होता है या कोई चेंजमेंट होता है तो उसके लिए बेसिकली हमने पूरा कंट्रोलर बनवाया हुआ है कि मोटर का स्टार्ट से लेकर बंद होने तक का, थ्रेशर से स्टार्ट से होने से लेकर के बंद होने तक का प्रॉपर उसमें डिटेल है। किसानों के लिए ये बहुत काम का है जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने में बहुत मदद कर सकता है, साथ ही इसको इस्तेमाल करने में भी किसानों को आसानी होगी। अभी क्या है, जो थ्रेशर आते हैं बेसिकली उसमें आप 2 से 3 फसलें ही निकाल पाते हो, लेकिन इसको इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, हम जाली चेंज करते हैं तो 13 फसलें और प्लस चारा, छोटा चारा और बड़ा चारा दोनों काट सकते हैं इससे। इससे किसान को क्या होगा, अभी जो थ्रेशर लेते हैं तो बेसिकली, और ये सोलर से चलता है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है किसान के लिए। अभी जो किसान कर रहा है ना कि थ्रेशर लेता है और लेके घर में खड़ा रखता है, जब 2 फसलें होंगी तभी यूज होगा, बट इसमें क्या है 13 निकाल रहा है तो फसलें तो खत्म नहीं होनी, पूरे साल चलनी है। लगभग ये मान के चलिए अभी जो किसान थ्रेशर यूज कर रहा है 60 दिन यूज कर रहा है, इसके आने के बाद वो इसको कम से कम यूज करेगा तो 150 दिन यूज कर सकता है बेसिकली। इसी कड़ी में गाँव के सरपंच गुड्डी राम कश्यप ने कहा, मैं किसानों से अनुरोध करूंगा कि वो इसे लें और इस सुविधा का लाभ उठाएं।